हेलो एवरीवन, जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली हम गए थे हरिद्वार, और हरिद्वार में हम छुट्टियां बिता रहे हैं। तो वहां पर हम हर रोज़ कहीं ना कहीं शाम को बच्चों को घुमाने लेकर जाते हैं। तो अभी मैं लेकर जा रही हूं बच्चों को पार्क। तो फ्रेंड्स यहां पर ना रास्ते का व्यू इतना प्यारा था कि हर किसी के घर पर ना आम के पौधे, लीची के पौधे इतने सारे थे कि सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं पार्क में, जिसका नाम है स्वर्ण जयंती पार्क। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, पार्क भी बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग घूमने आते हैं और बहुत सारे यहाँ पर बच्चों के एंजॉय करने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मुझे ना गणेश पर गुस्सा आ रहा था, उसको डांटते हुए यहाँ पर मैं लेकर जा रही हूँ। जैसे ही एंटर हम हुए हैं वैसे ही ये दिलवा दो वो दिलवा दो, दिलवाने की चीज़ें उसको दिलवा भी दी थी, आइसक्रीम वगैरह सब खिला दी थी, फिर भी ना वो किसी ना किसी की चीज़ की जिद करता ही रहता। सो फ्रेंड्स पार्क के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर ना एक नंबर लिखवाया जाता है, क्योंकि जो गार्ड भैया होते हैं ना वो नंबर लिखवाते हैं ताकि आपकी फैमिली आपको यहाँ पर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो नंबर लिखवाते हैं, यहाँ पर हमने नंबर लिखवा दिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं पार्क में। तो सभी निकल पड़े हैं पार्क में घूमने के। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स हम आए थे हरिद्वार, जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉग में कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। तो अभी हम छुट्टियों पर आए हुए हैं यहाँ पर और हम हर रोज़ कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन मैं सामने से वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है या फिर मोबाइल का खतरा होता है कि कोई भीड़ भाड़ में मोबाइल को मतलब कोई चोरी करके ना ले जाए, इसलिए मैं सामने से वीडियो नहीं बनाती हूँ। जहाँ मुझे संभव होता है मैं वहीं पर वीडियो बनाती हूँ। तो अभी आए हैं हम यहाँ पर स्वर्ण जयंती पार्क में, जो कि यहाँ पर ये सेक्टर 4 में है। आज इस पार्क में आए हैं बच्चों को लेकर के, तो बच्चों को घुमाते हैं और अभी 2-3 दिन रहेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। जहाँ भी जाएंगे वो आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स पार्क ना बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत सारे झूले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मेरा बेटा और यहाँ पर मेरे जिठानी का, मतलब दोनों बेटे हैं। और यहाँ पर ये पहले जैसे ही हम एंटर हुए हैं पार्क में तो बच्चे अपना एंजॉय करने घुस गए हैं, वो है यश और वो है कार्तिक। तो दोनों ऊपर चढ़ रहे हैं बच्चों का खेलने का। बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हैं तो इसलिए लेकर आई हूँ ताकि बच्चे अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो यहाँ पर बच्चे चढ़ गए हैं, लेकिन थोड़ी धूप है अभी और धीरे धीरे शाम होने लगी है। वैसे समय तो 5:30 बज गए हैं और जैसे ही थोड़ा सा छाँव होगी और अच्छा लगेगा। तो चलते हैं कि बच्चे कितने एंजॉय कर पाते हैं। और हमारे उधर तो जल्दी से कोई पार्क है नहीं पास में, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर पार्क है और मैं इसको दिखाती हूँ आपको। और वहाँ पर देख सकते हैं वो है यश और कार्तिक, वो अभी पहली बार ट्राई कर रहे हैं झूले पर। तो देखो आप देख सकते हैं लड़कियाँ हंस रही हैं कि देखते हैं इनको। और कार्तिक तो थोड़ा सा डरता है क्योंकि कार्तिक की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे तक नहीं आ रहा है। वो है यस और ये है कार्तिक और सामने खड़ा है गणेश जी, ये देख सकते हैं। थोड़ा ऊपर को लेके जाओ, ऊपर को फूल करो ऐसे, ये। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ना तरह तरह के झूले हैं बच्चों की एक्टिविटी के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं पार्क में। काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर रास्ता है, जो बुज़ुर्ग लोग या कोई भी घूम सकते हैं, उनके भी रास्ते बने हुए हैं। और बच्चों के खेल खेलने की बहुत सारे झूले हैं, जैसे कि यहाँ पर गणेश और यश दोनों झूल रहे हैं। गणेश को ऊपर उठा देते हैं लेकिन नीचे नहीं ले कर आते हैं, सब लोग हंस रहे थे। वॉइस को कट किया है मैंने, बाहर की भी वॉइस बहुत आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा बच्चे खुश थे यहाँ पर। तो गणेश ना सही से बैठ नहीं पा रहा था तो ये दोनों उसको सही से बिठाए फिर उसको झुला रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना हंस रहा है वो। यस बिल्कुल ऊपर ले जाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ऊपर टंग जाता है। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ये बच्चे शरारत कर रहे थे, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ना यश और कार्तिक इस पर ऊपर बैठ गए थे, ये ऐसे बैठने का एक कुछ झूले टाइप में है। और गणेश ना इस पर ऊपर चढ़ रहा था, मैं इसको मना कर रही थी कि आप मतलब कि तू मत चढ़ इस पर, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता है। उत्तराखंड में यानी कि हरिद्वार में हम बहुत सारी जगह घूमे हैं और गए भी हैं, और यहाँ तक कि कहीं पर भी मतलब खतरे वाली चीज़ हो हमें डर लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डरता। फिर भी मैं बच्चों से कह रही हूँ कि इसके साथ ही झूलो, इसको अकेला मत छोड़ो, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है, अकेला झूलने की यहाँ पर जिद कर रहा है। तो
तो यहाँ पर ये अकेला ही बैठने की कोशिश कर रहा था। गुनगुन नाराज़ हो रही थी कि तू गिर जाएगा, और बोली कि मम्मी इसे नीचे उतारो ये गिर जाएगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसे झूलने दे फिर देखते हैं, और ये मान ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर काजल भी झूल रही, यहाँ पर मतलब कि सभी झूले हैं, और मतलब झूले पर सभी ने खूब सारे यहाँ पर मतलब खूब देर तक झूला, खूब इंजॉय किया। बस एक भावना को छोड़कर, भावना थोड़ी देर ही झूली थी। तो यहाँ पर ये बच्चे और भी हैं, बच्चे यहाँ पर ये देख सकते हैं सभी खूब अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। और ये सोसाइटी के थोड़ी सी बाहर है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये मतलब पार्क है। तो यहाँ पर घूमने की ना बहुत सारी जगह है, बहुत ही सारी, मतलब कि हम तो बच्चों को सिर्फ झूले पर ही इंजॉय करा रहे थे। इतनी सारी जगह है कि आप थक जाओगे, शाम हो जाएगी, इतना मतलब बड़ा पार्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये काजल, गुनगुन ये सब लोग झूल रहे थे, तो मैंने थोड़ी थोड़ी यहाँ पर वीडियो बनाई कि चलो बच्चों की मेमोरी बनी रहती है, वीडियो रहती है, तो कि हम कहाँ पर गए थे, कहाँ पर इनको घुमाया था। तो काफ़ी दिन था जब हम घर से चले थे, तो 5:30 बजे भी काफ़ी उजाला रहता है, काफ़ी लेट में यहाँ पर दिन छिपता है यहाँ पर क्या सभी जगह पर गर्मियों में। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और यह वो रास्ता है जहाँ पर लोग यहाँ पर सभी घूम रहे थे। इस तरीक़ा के यहाँ पर रास्ते बने हुए हैं जो लोग वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं, और यहाँ पर भी बहुत सुंदर जगह बनी हुई है, ये देख सकते हैं, जहाँ पर बच्चे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर खेल रहे हैं। तो ये जो जगह है ना, ये कुछ इस तरीक़ा की है कि जैसे कि बारिश आंधी इस तरीक़ा का कोई मौसम हो तो आप इसके नीचे रुक सकते हैं। इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो बच्चे सारे पहुँच गए थे यहाँ पर, और सभी फ़ोटो क्लिक कराने लगे, ये देख सकते हैं। तो सभी बैठ जाते हैं और मैं बना रही हूँ वीडियो, तो मैंने सबकी फ़ोटो खींची और साथ में बनाई वीडियो। तो इन्जॉय ज़्यादा किया था, वीडियो तो कम ही बनाई थी। ये देख सकते हैं गणेश जी क्या पोज मार रहे हैं। तो यहाँ पर सभी की फ़ोटो हुई है, सभी ने फ़ोटो कराई है, सभी ने ली हैं अपनी अपनी फ़ोटो। तो ये देख सकते हैं गणेश जी। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर बैठने, और मेरा सूट ना एक ही जैसा ऑल ओवर सूट है, और अब वीडियो में देख रहे हैं आप, दुपट्टा और जो इसका प्लाजो है वो अलग दिख रहा है, सूट अलग दिख रहा है। तो ये तो मैं मान ही नहीं रही हूँ कि पता नहीं ऐसे कैसे कैमरे में दिख रहा है, ये ऑल ओवर ही है, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर यस अपनी वीडियो में मुझे ले रहा था, मतलब सभी को ले रहा था यहाँ पर, तो हम उसी की वीडियो के लिए यहाँ पर बैठे हैं, उसी के फ़ोटो के लिए, ये देख सकते हैं। तो सभी खूब मस्ती कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, पार्क के अंदर ना बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, और यहाँ पर ना आवाज़ मिल रही है क्योंकि जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मतलब पार्क तो खुला है लेकिन जहाँ पर मैं खड़ी हूँ कोई जगह ऐसी है जहाँ पर टीन शेड टाइप में डला हुआ है, और इसके अंदर ना फ़ोटो खींचने का बहुत सुंदर है। और जैसे बरसात भी हो जाए ना तो इसके नीचे आके हम रुक सकते हैं, मतलब कोई भी हो यहाँ पे आके रुक सकते हैं। तो बाकी बाकायदा से यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके चारों तरफ, और ऊपर यहाँ पर अच्छा फर्श वगैरह हो रखा है, तो अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और वॉइस तो बहुत ज़्यादा गूंज रही है यहाँ पर, पता नहीं साफ़ आ रही होगी नहीं, तो बीच में बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ी सी क्लियर आ रही है। ये देख सकते हैं बहुत सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं, मैं आपको धीरे धीरे सारा घुमा रही हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा। उत्तराखंड एकदम बेस्ट जगह है फ्रेंड्स घूमने की, सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा मेरा जो घूमने का एक जगह में से जगह कहूँगी ना, तो सबसे ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ तो उत्तराखंड को। तो सच में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, और घूम तो हम बहुत जगह लिए, लेकिन ये चीज़ें भी ना एंजॉय करनी चाहिए क्योंकि बच्चों को नहीं मिलती हैं जल्दी से। और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर आसपास में तो पार्क कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ कि चलो आज यहाँ पर थोड़ा सा आप घूम लो। सो फ्रेंड्स, हम अभी थोड़ी देर में मिलेंगे। तो पूरे पार्क में जगह जगह पर ये झूले बने हुए हैं, स्टंट लगाते हैं बच्चे, स्लाइड मतलब कि स्लाइड भी है यहाँ पर, जैसे कि ऊपर बैठ जाते हैं तो नीचे फिसलते हैं, और झूले भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मतलब पेड़ पौधे थे, और कुछ पौधे आम के भी थे और कुछ बहुत सारी चीज़ों के थे, लेकिन सबको तोड़ना मना था, फूल वगैरह जो भी होते हैं सबको तोड़ना मना था, लेकिन कोई नियम मानते हैं, कोई नियम का पालन करते हैं, कोई नहीं करते हैं, यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं स्टंटबाजी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा, आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी।